हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लर्न विथ सूर्या में। आज गणित क्लास 8 का प्रश्नावली 3.1 का क्वेश्चन नंबर 7 है। तो क्वेश्चन नंबर 6 तक का तो वीडियो आपको पिछले बार कई सारे वीडियो में बता दिया गया, तो वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। तो अब 7 नंबर ये है कि इसमें एक ऐसा आकृति बनी हुई है, इसमें से एक्स, वाई और जेड ये तीनों कोणों के मान हमको निकालने हैं। तो इसमें तो कुछ अंदर वाले मान दिए हुए हैं, यानी इसके दो कोण के माप दिया हुआ है, एक 30 डिग्री का अंदर का है और एक ये 90 डिग्री का। इधर एक्स है, इधर वाई है और इधर ये वाला जो कोण है वो जेड है। तो इसी कोण एक्स, वाई और जेड का मान निकालना है। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे करेंगे। तो यहाँ पर हमने आकृति बना ली है, इसमें यह ए, बी और सी। तो इसमें ये वाला कोण जो है ये बाई है और ये वाला कोण जो बताया है वो यक्स है और ये वाला है जेड। इन्हें यक्स, बाई और जेड तीनों कोणों का माप निकालना है। इसमें जो दिया हुआ है इसमें ये वाला यानी कोण बी जो है वो है 30 डिग्री और कोण ए यानी इधर का अंदर वाला कोण जो हुआ है वो 90 डिग्री। तो इसको निकालने के लिए कुछ कथन लगेगा। तो सबसे पहला कथन ये लगेगा, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। अंतः कोण मतलब अंदर वाले कोण, यानी ये वाला कोण, ये वाला कोण और ये वाला कोण, इसको तीनों को अगर जोड़ते हैं तो 180 अंश होता है। तो ये पहला कथन इसमें लगेगा। तो इसी कथन की सहायता से हम ये वाला कोण निकाल लेते हैं, यानी इसके अंदर वाला कोण जेड जो है उसका मान हम निकाल लेते हैं। तो इसको निकालने के लिए हमको यहाँ पे एक समीकरण बनाना पड़ेगा, यानी इन दोनों तीनों को जोड़ेंगे तो 180 अंश आना चाहिए। तो ये इसको सबसे पहले हम जोड़ लेते हैं। जोड़ने के बाद यानी इस इन तीनों को जो कोणों को जोड़ेंगे तो जोड़ने के बाद 180 अंश आना चाहिए। तो यानी कोण 90, 90 प्लस 30 प्लस कोण सी, यानी ये वाला कोण जो है कोण सी है। तो इन दोनों को जोड़ेंगे क्योंकि ये तीनों अंतः कोण है, तो इसलिए इसको इसका मान जो होगा 180 अंश आएगा। तो 90 प्लस 30 प्लस कोण सी, अब कोण सी का मान हमको नहीं पता है तो इसको हम डायरेक्ट कोण सी ही रहने देंगे और बराबर में करेंगे 180। त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों को जोड़ दिए हैं तो 180 अंश। अब यहाँ पे एक बन गया है एक समीकरण। तो समीकरण को हल करना है तो पहले इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये दोनों हो जाएगा 120 प्लस कोण सी बराबर 180 अंश। अब यहाँ से हम 120 का पक्षांतरण कर देंगे तो इधर बचेगा, इस पक्ष में सिर्फ कोण सी ही बचेगा और ये 120 इधर जा करके इधर प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा। तो समीकरण का अगर पक्षांतरण आपसे नहीं आता है तो आपके लिए समीकरण कैसे हल करना है, सिंप्लीफिकेशन का समीकरण को कैसे किया जाता है, तो ये सारा वीडियो आपको पार्ट 2 के वीडियो में हमारे चैनल पर ही मिल जाएगा, तो उसको ज़रूर देख लीजिएगा। तो ये कोण सी बराबर आ गया है हमारा 180 में 120 घट गया तो ये आ गया 60 डिग्री, यानी ये वाला जो कोण है यानी कोण सी ये आ गया है 60 डिग्री। तो ये तो एक कथन हो गया। तो ये जहाँ से हमने इस वाले कोण को निकाल लिया, अब हमको एक्स, वाई और जेड का मान निकालना है। तो इसके तीनों को मान निकालने के लिए सिर्फ एक कथन लगेगा। कथन ये है कि किसी एक रेखा को कोई दूसरी रेखा प्रतिच्छेद करे तो उसके दोनों ओर बने कोणों का योग 180 अंश होता है। जैसे इसको अगर हम कैसे चेक कर सकते हैं कि एक एक रेखा है और इसमें अगर कोई दूसरी रेखा इसको ऐसे काट रही है तो इसके दोनों ओर जो कोण बन रहे हैं इन दोनों को, यानी ये कोण और ये कोण, इन दोनों को अगर जोड़ते हैं तो इनका मान जो होगा 180 अंश होगा। और यही कथन इसमें एक्स, वाई, जेड तीनों कोण को निकालने के लिए यहाँ पर अप्लाई हो रहा है। एक रेखा ये है जिसको ये वाली रेखा एक प्रतिच्छेद कर रही है, तो इधर का कोण और इधर का कोण दोनों को अगर हम मिला देते हैं तो क्या हो जाएगा 180 अंश। लेकिन हमको इधर वाला पता है, ये वाला नहीं पता है। तो इसको निकालने के लिए यानी कोण बाई को निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि 180 में से 30 को घटा देंगे। तो 180 में से 30 घटा देंगे तो आ जाएगा 150, यानी बाई का मान जो हमारा आ रहा है वो हो जाएगा 150 डिग्री। तो एक ही आ गया। दूसरा भी यहाँ भी देखेंगे तो यहाँ भी एक रेखा है जिसको ये वाली रेखा काट रही है, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों 180 अंश हो जाएगा। तो इधर का पता है 60 डिग्री हो और ये है कोण जेड हमको निकालना है। तो कोण जेड बराबर हो जाएगा 180 माइनस 60, तो इसका मतलब ये आ गया है कितना 120 डिग्री। तो ये हो गया यानी कोण जेड बराबर 120 डिग्री हो गया। अब कोण एक्स का मान निकालना है, तो यहाँ भी सेम यही कथन अप्लाई हो रहा है कि किसी रेखा को एक दूसरी रेखा प्रतिच्छेद करती तो उसके दोनों ओर के कोणों का योग 180 अंश होता है। एक ये रेखा है इसको दूसरी वाली रेखा प्रतिच्छेद कर रही है, तो इसके भी दोनों ओर का कोण 180 अंश हो जाएगा। तो कोण एक्स का मान अगर निकालेंगे तो कोण एक्स बराबर हो जाएगा 180 माइनस, अब इधर का 90 है तो इधर क्या हो जाएगा 180 में से 90 घटा देंगे तो ये हो जाएगा 90 डिग्री। तो यक्स बराबर आ गया है 90 डिग्री। तो यक्स, बाई बराबर 150, जेड बराबर 120 और एक्स बराबर 90 डिग्री। इस तरीके से इसको करना है। तो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इससे ऐसे ही वीडियोज़ आपको लगातार मिलते रहें। धन्यवाद।